हाय, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग अपना एक चैप्टर एक टॉपिक कर रहे थे। काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। वेजिटेशन इट मीन्स फॉरेस्ट के बारे में। तो उनमें से जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो है वो है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। क्या है मेडिटेरियन फॉरेस्ट? तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आप हमारे जोन्स देख लीजिए। तो टोटल 3 टाइप्स के जो जोन्स होते हैं, मतलब टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन। उनमें से टेम्परेट जोन में अगर हम देखें तो हमारे कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर विंटर के समय रेनफॉल होती है। विंटर के समय मतलब जब बारिश का मौसम होता है उस समय वहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल होती है। और वहाँ पर अगर हम मतलब वेदर के बारे में बात करें, वहाँ का वेदर होता है ड्राई। कैसा होता है? ड्राई मतलब सूखा सूखा, ड्राई समर, समर गर्मी। तो वहाँ का जो वेदर है वो ड्राई समर होता है। तो ये तो हमने बात किया वहाँ के वेदर। अब हम आते हैं वहाँ के कैसे टाइप्स के प्लांट्स वहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम प्लांट्स की बात करें, जैसे कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर अगर एक बार प्लांट्स हरे भरे, अगर वो जगह एवरग्रीन है, वहाँ पे सारे प्लांट्स हरे भरे हैं, तो वो हमेशा के लिए ऐसे ही एवरग्रीन रहते हैं। तो ट्रीज हेयर आर फाउंड, यहाँ पे जो ट्रीज पाए जाते हैं हमेशा एवरग्रीन रहते हैं एज दे अडेप्ट द ड्राई समर। एवरग्रीन क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो ड्राई समर के, वहाँ पे अपने आप को वो ड्राई समर में अडेप्ट करते हैं। दे हैव अ वैक्सी एंड थिक बार। उनकी ऐसी जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट में जैसे टाइप्स के प्लांट्स पाए जाते हैं, उस टाइप्स के प्लांट्स में वैक्सी और थिक बार्क होती है, जिसके कारण वो ऐसे ड्राई समर्स में अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं और वे हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। अब ट्रीज के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमेशा मतलब वहाँ पर रहते हैं और एवरग्रीन रहते हैं। द कॉमन ट्रीज जो हैं फाउंड, जैसे कि कोक, ओक, ऑलिव, मैपल, केडर एंड पाइन, ये कुछ टाइप कॉमन ट्रीज हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। सिट्रस फूड आर कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल इन दिस रीजन। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर उस जगह के लिए वो चीज़, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, एक फ्रूट है सिट्रस फूड, वो वहाँ के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब वहाँ के लिए ऐसा फ्रूट है, वहाँ पर उसकी ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, ज़्यादा कल्टिवेशन उस रीजन में इस फ्रूट का किया जाता है, ज़्यादा कल्टिवेशन इसी फ्रूट का लार्ज स्केल में उस रीजन में करा जाता है। और ऐसे टाइप के फॉरेस्ट जो ये जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट हैं, वो ऐसे टाइप के फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सदर्न यूरोप कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन यूरोपियन कंट्री में सदर्न पार्ट में, जैसे कि फ्रांस में, इटली, स्पेन, सेंट्रल चिले, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड कैलिफोर्निया। ये कुछ प्लेसेस के नेम से जहाँ पर ये मेडिटेरियन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम आते हैं वहाँ के वाइल्ड लाइफ, वहाँ के एनिमल्स पर आते हैं हम लोग। देखिए, वी फाइंड मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स हेयर इंक्लूडिंग, यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। कुछ इंक्लूड करते हैं जैसे कि वोल्फ, फॉक्सेस, वाइल्ड बर्ड्स, रैबिट्स एंड वल्चर्स, ये डिफरेंट टाइप्स के, और ईगल्स भी। ये तो बहुत ही कॉमन एनिमल्स हैं, तो हमने सबने सुने होंगे। और ये प्लांट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे मेडिटेरियन फॉरेस्ट में ऐसे टाइप्स के प्लांट्स वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक मेडिटेरियन फॉरेस्ट। हम इस चैप्टर से रिलेटेड अपना नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।